ये मुझे लगा हाँ, बोली, 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 हाँ जी हाँ, रानी की जो मानसिकता थी कि ये सकता है कि यहाँ के लोगों को वो निकृष्ट समझती हो, इसलिए शायद उनसे परहेज रखा हो। तीसरी एक बात मैं बहुत बड़े उससे कहूंगा कि जब हम ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1948 को पढ़ते हैं तो उसमें भारत को ब्रिटेन की कॉलोनी माना है, एक देश नहीं माना, भारत की प्रजा को ब्रिटेन की रियासत कहा है। तो ऐसा मतलब जिसको हम आजाद कहते हैं, तो आजाद हम हुए नहीं, आज भी गुलाम है और वो गुलामी की मानसिकता से सराबोर होकर के हम इसको शाही शादी का नाम दे करके एंजॉय कर रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन रहे हैं। तो ये घोर मानसिकता है गुलामी की। दूसरा इसके साथ में एक बात और जोड़ूंगा कि आज अप्रैल के महीने में इन्होंने शादी की है, आज से 200 साल पहले यहाँ इन्होंने गुलाम बनाया हुआ था। उस गुलामी को तोड़ने के लिए अप्रैल के महीने में ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी, और जिसको 10 मई को एक आंदोलित रूप से उन स्वतंत्रता संग्राम को अंजाम दिया था। तो उसके पूर्व संध्या पर इन्होंने आज वो शादी मनाया, और पूरा देश अपने शहीदों को भूल करके इन गोरे अंग्रेजों के तलवे चाटने को मजबूर है। वो साफ दिखा रहा है कि पहले भी तुम हमारे आका थे, अभी तुम ही आका हो। बिल्कुल नहीं, नहीं, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, प्रदीप जी, हाँ। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो आपने कहा बहुत अच्छा कहा है कि इस आजादी की जो मानसिकता, जो हमारी गुलामी की जो मानसिकता बन गई है हमारे देश के अंदर, इस मानसिकता से हमें आजाद कौन कराएगा? कैसे होगा, कैसे होंगे हम इस मानसिकता से आजाद? जब और हमारा ये मानना है कि जब तक हमारे राजनेताओं के अंदर ऐसी शक्ति पैदा नहीं होगी, ऐसी इच्छा पैदा नहीं होगी कि हमें इस मानसिकता से आगे निकलना है, इस गुलामी की मानसिकता को छोड़ना है, तब तक हम और ये काम सिर्फ नए किस्म के नेता ही कर पाएंगे, और वो नेता कभी नहीं कर पाएंगे जिन्होंने आज तक वो गुलामी की मानसिकता को पनपा है। बिल्कुल धन्यवाद। हम नजर डालते हैं कारणों पर कि क्या कारण है ऐसा सब कुछ होने के आपके सामने। 200 साल के गुलामी का खून आज भी कईयों की नसों में बह रहा है। तब जो अंग्रेजों के गुलाम होने में गर्व महसूस करते थे, उनके आज के यह वंशज स्वाभाविक ही ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग गंभीर नहीं होते, दूसरे को देखकर अनुकरण करने वाले जानते भी नहीं कि वह गलत कर रहे हैं। देशभक्त बात करने से कतराते हैं, उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वह भूल जाते हैं कि पुरखों के सोच का सही अनुकरण करना ही उनके सही मायने में श्रद्धांजलि है। स्कूलों में पहले देशभक्ति के पाठ पढ़ाए जाते थे, आज ऐसा नहीं हो रहा। पहले क्रांतिकारियों के पाठ पढ़ते थे तो अंग्रेजों के खिलाफ उनके विचार भी पता चलते थे, अब वह पाठ अंग्रेजी स्कूलों ने बंद किया तो बच्चे जानते ही नहीं। सरकार अपने आप को कॉमनवेल्थ राष्ट्र समूह का हिस्सा बनाए रखते हैं, जो कि ब्रिटिश राज में गुलामों का समूह, जिस कारण रानी का आधिपत्य आज भी हमें स्वीकार करना पड़ता है। देश के मीडिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको स्वतंत्र भारत का क्रांतिकारी इतिहास मालूम है। विदेशी स्कूल में पढ़े बाप का मीडिया व्यापार संभालने के लिए यहाँ, वह भी केवल शरीर से, उनका मान हमेशा बर्मिंघम पैलेस के सिंहों पर ही रहता है। ये कई कारण हैं और इस कारणों में आप इजाफा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, राय दे सकते हैं। एक और कॉलर हमारे यहाँ बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? सर मैं अभी जो टीवी देख रहा था ना सुदर्शन लाइव, और देखते देखते मेरे को जो भी इस बात को पता लगा कि हमारी आजादी के 64 साल हो गए सर, और इन 64 साल में भी हमारी जो गुलामी जो मानसिकता वो अभी तक हमारे दिल से निकली नहीं है। बिल्कुल, अभी अमेरिका का राष्ट्रपति जब आता है तो उसको तो यहाँ वीजा लेने की जरूरत पड़ती है, और जब महारानी आती है जिन्होंने इतने हमारे देश के लोगों का इतना खून खींचा, जिन्होंने हमारे देश को तबाह किया, भारत सोने की चिड़िया था, हमारी सोने की चिड़िया को बर्बाद किया, उस रानी के मतलब हम एक जूता उठाने के लिए भी बड़े तत्पर रहते हैं हमारे राजनेता लोग भी, सभी लोग। बिल्कुल, बड़े दुख का विषय है हमारे लिए, शर्मनाक बात है। बिल्कुल, आज भी रानी की झींगा मुस्ती जो है, बदमाशी जो है, आज उस सरेआम दिखती है कि जब वो मतलब यहाँ पे अपने अमृतसर में गई थी तो किस प्रकार उसने मतलब जराबे तक नहीं उतारी थी, मतलब बिल्कुल, और हाथ मिलाने के लिए भी उसने मतलब दस्ताने वगैरह डाल के कि कभी हमारे लोग जो है कभी इनको कोई बीमारी ना हो, कोई कुछ ना हो। बिल्कुल, और जबकि हमारे देश जो है आप देख रहे हैं कि हमारा देश जो है
किसी बात की हमारे देश में कमी नहीं है, परंतु हमारे स्वाभिमान को कहां हमारी हीन भावना मतलब हमारे अंदर क्यों घर कर गई है। हमारे देश में इतने इतने बड़े मतलब हमारे पूर्व जो है कैसा जीवन जी करके चले गए हैं, हम अपने उन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं सर। धन्यवाद। हाँ सर, राजी एक नहीं दो रानी आई, विक्टोरिया आई, एलिजाबेथ आई, और दोनों को वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एक कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। साबिर हुसैन बोल रहा हूँ। बोलिए साबिर भाई। सर ये आज हमारे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, हाँ, शहीद हुए हैं, ये ब्रिटेन की महारानी के जमाने या अंग्रेज फिरंगियों ने हमारे इस देश के नौजवानों का खून बहा है, और उसकी शादी में सारे लोग उसको खुशियां मना रहे। मैं तो सारे हिंदुस्तानियों लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई हमारे देश का नारा गाए, आज शादी की ज्यादा तवज्जो ना दे, और जो मीडिया सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, मैं तो ये कहूंगा कि आप हमारे देश की संस्कृति जो है उसके बारे में अपील करें, जो अमरीका के जो फिरंगियों की ऐसी कोई बच्चे तो रिपोर्ट ना दे कि हमारे देश के लिए खतरा हो, क्योंकि हमारे दुश्मन है। अब पूरे हिंदुस्तान से ये कहूंगा कि सारे फिरंगियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, क्योंकि हिंदुस्तान ये हमारा काम है और हम यही कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने भी इसमें समर्थन दिया इसके लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, उनकी भी राय इस कार्यक्रम में लेते हैं, क्या है देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, अभी जो आ रहा है इसका जो हमारे राजघराने राजकुमार है, इनके शादी का जश्न अपने देश में मनाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है कि जिन लोगों ने 200 साल तक हमारे 300 साल तक शासन किया यहाँ पे, बिल्कुल, और वो यहाँ पे हम लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहे, शादियां बांधते रहे, कितना यातनाएं देते रहे, और उस शादी का हम अपने भारत देश में जश्न मना रहे हैं, बिल्कुल। तो इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, मीडिया भी सामने आना चाहिए, जिस तरह से आपका चैनल दे रहा है, शायद ही कोई दे रहा होगा, मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो इसको जन जन तक ले जाना होगा, बिल्कुल। अभी मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था टीवी पर, तो मुझे भी जिज्ञासा हुई, अपने भी शब्द कहे, तो इसी बात को मैं आपके माध्यम से और लोगों को जहाँ तक जा रही आवाज हमारी, बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि अपने इतिहास को पढ़े लोग जो नहीं जानते हैं, बिल्कुल, और उस इतिहास को पढ़ने के बाद देखे कि जो लोग सदाई है हमारी आज की दुर्दशा के लिए, बिल्कुल, शादियों का जश्न अपने घरों में मना रहे हैं, बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद विश्वनाथ जी, आप भी बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, और हम एक और कॉलर को मौका देते हैं, उसके बाद हम परिणामों पर जाएंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। मेरा कहना है कि हिंदुस्तान भूला भाई का देश है, क्योंकि द्वितीय बहादुर शाह को भोजसभा में बुलाने के बाद का ही दो लड़का को सिर। हेलो। अरे हाँ बोलते भैया। उसका ही दो लड़का को सिर काट के और भोज सभा के थलिया में दे दिया था अंग्रेज। दूसरा बात राणा रंजीत सिंह को पूछा था सिर पर वो कोहिनूर ताज देखने में, हाँ, इसका कीमत क्या कितना, तो रंजीत बोला 5 जूती, मतलब जिसका राइट है, हाँ, जिसका मुकाबला करने का क्षमता है। हाँ। तीसरा बात देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक हिंदुस्तान को कुत्ते का बच्चा बोलने के लिए कुछ वही साहब को जूता था कॉलेज में ही, तो उसके लिए उसको कॉलेज से राष्ट्रीय किया, वही जूता आज ब्रिटेन का आर्काइव में है। और याद रखना कि राणा रंजीत सिंह और सुभाष बोस तो आदमी हिंदुस्तान का आदमी सोचता नहीं कि आज का हिंदुस्तान का आदमी इतना भूल गया, जो ब्रिटेन में लंदन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जानते हैं कि, हाँ, जो ब्रिटेन 1690 से 1900 साल तक, हाँ, जितना लूटा, हाँ, तो उस वक्त लिखा था आर्काइव में, आज तक लिखा हुआ है लंदन में, क्या लिखा हुआ है जानते हैं कि, मुर्शिदाबाद शहर लंदन शहर से 100 गुना ज्यादा जौलूस का शहर था, बीकानेर गोलकुंडा जयपुर दिल्ली ग्वालियर छोड़ तो सभी, आज जो जौलूस लंदन में दिखाता है ना, वो सभी हिंदुस्तान का है 100%।
लेकिन हम सब गुलाम है क्या, नफरत है क्या, रास्ते मार्ग में चला है क्या, ज्ञान का मार्ग हमने ही छोड़ दिया। ये नहीं सोचता कि गार्गी सर से गीता में क्या बताया था, किसको बोल सर से बोल, भगवान कृष्ण बताया था, जगदगुरु को मुनि को श्रेष्ठ ज्ञानी बताया, लेकिन ये सोचना चाहिए कि गार्गी जनक ऋषि के सभा में आयोजित किया था एक्चुअली। बिल्कुल धन्यवाद जी रंजन जी, आपने आपके पास बहुत साधन है, सामग्री है और आपने बहुत अच्छे मुद्दे बताए, धन्यवाद। मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहूंगा, खास करके उस झूठे इतिहास को नकारना चाहिए जो कहता है कि भारत में ब्रिटिश आए इसलिए भारत ने विकास दिखा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका व्यापार गया। यह 100% झूठ है। आज हम जिस 9% तक अपने व्यापार को लेकर जाने की बात करते हैं, हम 54% थे भारत में ब्रिटिश आने के पहले। इन्होंने आने के बाद तो हमको लूटा है। हमारा मुर्शिदाबाद शहर का जो उल्लेख अभी बंगाल से इन्होंने किया, हमारे कॉलर ने किया, चित्तरंजन जी ने, ये मुर्शिदाबाद शहर की पूरी संपत्ति ब्रिटेन से तब 100 गुना ज्यादा थी। हमारे जयपुर के महाराजा तो छोड़ दीजिए, हमारे पास इतनी धन दौलत थी, कहा जाता था कि इस देश में सोने का धुआं निकलता है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस देश के धर्म को डुबाया, संस्कृति को दुबाया, यहाँ की मान्यताओं को तोड़ा, यहाँ पर सारे प्रकार के नुकसान करने के बावजूद भी इनका मन नहीं भरा, यहाँ पर इतना अत्याचार किया, फिर भी हम भूल गए और हम यहाँ तक भूल गए कि हमारे दुश्मन के बेटे के शादी में ही नाच रहे। हम ये नहीं कहते, हम उनको कोई शाप नहीं दे रहे, हम नहीं कहते उस शादी को कोई विरोध करो, लेकिन कम से कम सब कुछ भूल कर उसमें दीवाना बनकर नाचो मत। क्या होता है ऐसा सब होने का परिणाम देखते हैं। ऐसी घटनाओं से छोटे बड़े कई परिणाम होते हैं और कई तात्कालिक तो कई दूरगामी परिणाम भी होते हैं। कुछ परिणाम इस प्रकार हैं। इतिहास से अनजान आज की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम पता ही नहीं चलेगा, वह इतिहास से अनजान रहेगी। जो अपने अतीत को नहीं जानता वह उससे कोई शिक्षा नहीं ले पाता। हमारे क्रांतिकारियों के संघर्ष की शौर्य गाथा पता नहीं चलने से वीरता नहीं आएगी। अपने देश को नीचा देखने की आदत लगी, यह पराजित मानसिकता का प्रतीक होता है। ऐसा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? इंसान का सबसे दयनीय और लाचार रूप या अवस्था होती है गुलाम। यह स्थिति मन में तो आएगी ही, वह भारत के आज की पीढ़ी के लिए अभिशाप होगी। अंग्रेजों के खिलाफ हमारे मन में जो गुस्सा है उसने हमें कई क्षेत्रों में विजयी होने के लिए प्रेरित किया। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे राज किया उसे एक भारतीय ने ऊंची कीमत पे खरीदा, वह केवल एक सुकून के लिए है। ऐसे कई और उदाहरण हैं जो प्रेरक साबित हुए, वह नहीं होने की संभावना बनी।